कोलकाता में मनोज रामचंद्र सेबल, मनोज पुणे में रहते थे, दिल्ली आए हैं और दिल्ली आकर इन्होंने नोटिस करा कि दिल्ली की एक प्रॉब्लम है विच इज सफाई की, और इसको उन्होंने अपनी हॉबी बना लिया. कैसे? मनोज की आवाज में सुनिए. दिस इज द चेंज दैट वी ऑल नीड. सुनिए ना. दिल्ली आने के बाद, दिल्ली की जगह से वाकिफ होने के बाद, जब मैंने यहाँ की सारी चीज़ों को, आना जाना, लोग, घर वर, सब कुछ सेट हो गया, उसके बाद मैंने सोचा कि दिल्ली की सड़कों पे जो कूड़ा है वो हमें नहीं फैला हुआ है, तो उसको समेटना भी हमें चाहिए. क्यों? पुणे बहुत साफ है. पुणे कंपैरेटिवली थोड़ा साफ है. ए भगवान, हम दिल्ली वालों का खून जलता है जब आप किसी और की बेहतर तारीफ करते हैं. ऐसे नहीं कह सकता. मैं ये बता सकता हूँ कि दिल्ली में जो कूड़ा जनरेट होता है वो 9000 मेट्रिक टन प्रतिदिन से ज्यादा कूड़ा तैयार होता है एक दिन में, जो आप और मैं फेंकते हैं. हाँ जी. और उसमें से लगभग 8000 मेट्रिक टन हम एक दिन में उठाते हैं. ओके. और उसमें से 4000 मेट्रिक टन को हम प्रोसेस करते हैं, मतलब कुछ 5000 कांगे तो वो कुछ पड़ा रहता है, कुछ डंपिंग साइट में चला जाता है. तो मैंने ये सोचा कि जो कूड़ा हम फैला रहे हैं उस कूड़े को कूड़ा घर में ना जाने दिया जाए. तो उस कूड़े का होगा क्या? क्या करते हैं मनोज उस कूड़े का? यही जानेंगे उनसे कुछ ही देर बाद, यही रेडियो सिटी 91.1 पर. यू एंड आई टॉक अबाउट गंदगी एंड लाइक सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही. दिस इज अ मैन जो एक्चुअली फॉर्मल्स पहनकर उस कूड़े को कलेक्ट कर रहे हैं, और इसके आगे उसका क्या करते हैं आपको बताती हूँ रेडियो सिटी 91.1 पर. सुप्रभातम, रग रग में दिल्ली सिटी. Radio City, time check. नाम है मनोज रामचंद्र सेबल. इन्होंने पुणे से आए इंजीनियरिंग करके और डिसाइड करा दिल्ली में काम करेंगे. दिल्ली में काम के साथ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सारा चेंज लेकर आएगा. तो आज मेरे स्टूडियो में एक बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट, इनका नाम है मनोज, सॉफ्टवेयर लाइन से है और इनका पैशन है कूड़ा ठीक करना. दिल्ली से 9000 मेट्रिक टन कूड़ा रोज निकलता है और उसमें से सिर्फ 4000 होता है जिसको एक्चुअली ट्रीट किया जाता है. 5000 या पड़ा रहता है या डंपिंग ग्राउंड्स में चला जाता है, और इसी को ये कहीं ना कहीं काउंटर करते हैं. क्या करते हैं आप? जी, शुरुआत में तो हम सड़कों पे सफेद शर्ट, टाई, पैंट पहन के सफाई करते हैं. लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. आई लव दिस. तो मतलब आप प्रॉपर फॉर्मल क्लोथ्स पहनकर? जी, शुरुआत में मैं झाड़ू लेके सफाई करता था. हाँ. सफाई के बाद अपने घर पे जो किचन का कूड़ा होता है. हाँ. उसका खाद पहले घर पे बनाया. खाद बनाया आप? खाद घर पे ही बनाया, मतलब किचन के. मैंने सुना है लोग ये करते हैं, बट इज इट सो सिंपल? मैं कह सकता हूँ ये सिंपल है. सर चलो बताओ 30 सेकंड में कंपोस्ट कैसे बनाते हैं? कंपोस्ट बनाने के लिए जो रसोई का कूड़ा होता है, जो घर के अंदर तैयार होता है, उस कूड़े को मिट्टी में मिला के हॉरिजॉन्टली फैला के 24 घंटे रखिए और उसको मिक्सिंग करते रहेंगे तो धीरे 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 ये कंपोस्ट बनेगा. और कितने दिन लगते हैं? तकरीबन 30 दिन लगते हैं. मनोज सर आप ये इतने साल से कर रहे हो तो कितना, मतलब कितना आपने कूड़ा ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है? पिछले 2 साल का अगर मैं हिसाब जोड़ू तो 20,000 रसोई कूड़े को हमने कूड़ा घर जाने नहीं दिया. 20,000? यस, 20,000 किलोस को इन्होंने लिटरली सेव करा है, which I think is fantastic. You need to go on his Facebook page, probably help him. ये जो कंपोस्ट बनाते हैं इसको बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भी बताते हैं कि किस तरह से कंपोस्ट बनाना है. At least go visit his Facebook page for once. I really think कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है हमें उसको ऐसे तो सपोर्ट कर ही लेना चाहिए. तो इनका फेसबुक पेज है @swachh भारत BHARAT 2015. प्लीज जाइए इस पेज को लाइक कीजिए एंड मे बी दैट्स इनिशिएटिव एंड दैट्स इनकरेजमेंट फॉर मनोज, जिनको एक्चुअली चाहिए नहीं, वो खुद ही अपना कार्य करे जा रहे हैं. जेन्युइनली सल्यूट सच पीपल. आप और मैं काम करते हैं क्योंकि हमें पैसा मिलता है. कोई ऐसा काम करना जो कि दूसरों की भलाई के लिए, एंड वो भी इतनी शिद्दत से करना, बहुत बड़ी बात है यार. रेडियो सिटी 91.1, रग रग में दिल्ली सिटी. 91.1 FM. HD Vino Live.